हेलो एवरीवन। अच्छा, हम आज आपका एक नया और इम्पोर्टेंट एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं। मुझे बताओ, टोटल 5 हेड्स थे, ठीक है? 5 में से हम टोटल 2 हेड्स हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, डिस्कस। एक तो हमने सैलरी हेड डिस्कस किया है और एक हमने हाउस प्रॉपर्टी हेड डिस्कस किया है। आज हम तीसरा हेड शुरू करेंगे, आपका प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। एक काम करो, सब अपने आप जरा हेडिंग पढ़ना शुरू करो। हेडिंग क्या है? एक्सपेंसेस अलाउड एज अ डिडक्शन। सेक्शन 30-37 कवर एक्सपेंसेस विच आर एक्सप्रेसली अलाउड एज अ डिडक्शन वाइल कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम। पता क्या, अगर मैं सेक्शन 30 से लेकर सेक्शन 37 तक की बात करूं ना, तो बेसिकली सेक्शन 30 से लेके 37 क्या कवर करता है? एक्सपेंसेस कवर करता है विच आर अलाउड एज अ डिडक्शन। मैं आपको एग्जांपल से थोड़ा सा केस समझाना चाहूंगा, मेरी बात सुनना। उसने कहा सेक्शन 30 से लेके 37 बेसिकली क्या कवर करते हैं? ये सारे सेक्शंस 30 से 37 तक क्या कवर करते हैं? ये एक्सपेंसेस कवर करते हैं। कौन से एक्सपेंसेस? वो एक्सपेंसेस जिनका गवर्नमेंट आपको डिडक्शन दे रही है वाइल कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। दोबारा से, सेक्शन 30 से लेके 37 में हम बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे? एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? वो एक्सपेंसेस जिनका गवर्नमेंट आपको डिडक्शन दे रही है वाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड पीजीपीपी। ठीक है? अच्छा, क्या मतलब हुआ सर? थोड़ा सा जरा हमें डिटेल में एक्सप्लेन करो, मेरी बात सुनना सर। जैसे आप पीएल बनाते हो, बाय साइड पे इनकम्स आती हैं, बाय साइड पे इनकम्स आती हैं, टू साइड पे एक्सपेंसेस आते हैं, टू साइड पे एक्सपेंसेस आते हैं, और इनकम माइनस एक्सपेंसेस आपका प्रॉफिट आता है अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये तरीका होता है। तो सेक्शन 30 से लेके 37 में किनकी बात करी है हमने? एक्सपेंसेस की। ठीक है? कौन से एक्सपेंसेस? वो एक्सपेंसेस जिनका गवर्नमेंट आपको डिडक्शन दे रही है, मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि आप इन खर्चों को प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन निकालते समय आप डिडक्ट कर सकते हो। मैं दोबारा बोल रहा हूं, सेक्शन 30 से 37 में हम किनकी बात करेंगे? एक्सपेंसेस की। कौन से एक्सपेंसेस की? जिनका गवर्नमेंट आपको डिडक्शन दे रही है, मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि आप इन खर्चों को डिडक्ट कर सकते हो वाइल कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। मतलब गवर्नमेंट पता है क्या कह रही है? कि आपकी इनकम्स में से आप इन खर्चों को जो सेक्शन 30 से 37 में मेंशनड है, इन खर्चों को आप क्या कर सकते हो? आप डिडक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वाइल कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। मतलब प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन निकालते समय इन खर्चों को आप इनकम्स में से माइनस कर सकते हो इन ऑर्डर टू अराइव एट प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो सेक्शन 30 से 37 में हम इन्हीं खर्चों की क्या करेंगे? बात करेंगे। ठीक है? चलो, अब कौन से खर्चे हैं जरा करना शुरू करते हैं, मेरी बात सुनिए सब। पहला खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग, सेक्शन 30। तो सबसे पहला सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 30। क्या कहते हैं? बहुत सिंपल। उसने कहा एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
incurred by the assessee on buildings is allowed as a deduction for that previous year, provided building is used for the purpose of business and profession. चलो मैं आपको जरा एक बार सेक्शन 30 भी एक्सप्लेन करता हूं. बहुत सिंपल सेक्शन है, छोटा सा. देखो देखो क्या कहता है सेक्शन 30. सेक्शन 30 कहता है कि जो असेसी है ना, असेसी है, उसके पास एक बिल्डिंग है. असेसी के पास एक बिल्डिंग है. असेसी इस बिल्डिंग को क्या कर रहा है? यूज कर रहा है. असेसी इस बिल्डिंग को यूज कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन. ठीक है. और इस बिल्डिंग पे असेसी ने इंकर करा कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. असेसी ने इस बिल्डिंग पे इंकर करा कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. जैसे आपने हो सकता है बिल्डिंग का रेंट पे करा हो सकता है आपने इस बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा रखा हो, उसका प्रीमियम पे करा हो सकता है आपने इस बिल्डिंग की रिपेयर्स और मेंटेनेंस करवाई हो. तो ये सब कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है असेसी के पास एक बिल्डिंग है जिसे वो यूज कर रहा है अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए, और उसने उस बिल्डिंग पे इंकर करा है कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेंट, इंश्योरेंस, रिपेयर्स. तो उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हम क्या देंगे? उसे डिडक्शन दे देंगे अंडर सेक्शन 30. क्या मतलब हुआ डिडक्शन दे देंगे? मतलब प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन निकालते समय आप इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इनकम्स में से माइनस कर सकते हो. ठीक है. ये आपका कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 30. छोटा सा सेक्शन है. एक और सेक्शन देखो, सेक्शन 31. सेम है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर एंड फिक्स्चर. पढ़ो जरा. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर और फिक्स्चर विच इज इन द नेचर ऑफ रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस शैल बी अलाउड एज अ डिडक्शन फॉर दैट प्रीवियस ईयर प्रोवाइडेड प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. बहुत सिंपल है, पर थोड़ा सा एक बात जरा मेरी सुनिए. सेक्शन 31 क्या कहता है? देखो सेक्शन 31 कहता है असेसी के पास कुछ प्लांट और मशीनरी है या फर्नीचर और फिक्स्चर्स है. असेसी इस प्लांट और मशीनरी और फर्नीचर और फिक्स्चर को यूज कर रहा है अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए. फिर असेसी ने इस प्लांट और मशीनरी और फर्नीचर और फिक्स्चर पे इंकर करा कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. पढ़ना एक बार सेक्शन 31. वो साफ साफ बताता है कौन से एक्सपेंडिचर. देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच इज इन द नेचर ऑफ रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस. ध्यान से सुननी मेरी बात. उसने कहा असेसी ने इस प्लांट और मशीनरी और फर्नीचर और फिक्स्चर पे इंकर करा कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे जैसे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस और इंश्योरेंस. तो उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का उसे डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 31. मतलब क्या हुआ डिडक्शन मिलेगा? मतलब व्हाइल कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आप इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इनकम्स में से माइनस कर सकते हो. अलाउड है. ठीक है. फिर मैंने ना गवर्नमेंट से एक बात पूछी. ध्यान से सुनिए मेरी बात. मैंने गवर्नमेंट से पूछा कि इस सेक्शन में मेजर जो डिफरेंस हमें नजर आ रहा है वो क्या है. एक तो ये है जो मेन डिफरेंस है, और एक और डिफरेंस मुझे नजर आ रहा है, और वो क्या है? सेक्शन 30 में ना कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने इंकर करे बिल्डिंग पे वो स्पेसिफाइड नहीं थे. तो हमने कहा जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आपने बिल्डिंग पे इंकर करे सबका डिडक्शन आपको मिलेगा सेक्शन 30 में. लेकिन प्लांट और मशीनरी और फर्नीचर और फिक्स्चर जो सेक्शन 31 है वो सिर्फ दो ही खर्चे बताता है,
रिपेयर एंड मेंटेनेंस और इंश्योरेंस, मतलब सेक्शन 31 के हिसाब से अगर आपने रिपेयर्स करवाई प्लांट और मशीनरी या फर्नीचर और फिक्स्चर की, या इनका इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, तो उसका डिडक्शन हम आपको सेक्शन 31 में दे देंगे। मैंने गवर्नमेंट से पूछा कि अच्छा एक बार बताओ, अगर मैंने प्लांट और मशीनरी किराए पे ली, अगर मैंने प्लांट और मशीनरी किस पे ली, किराए पे, तो इस किराए का क्या डिडक्शन नहीं दोगे क्या? गवर्नमेंट ने सोचा हां बात तो सही है, हमने तो सेक्शन 31 में सिर्फ कौन कौन से खर्चे कवर करे, रिपेयर्स और इंश्योरेंस, तो रिपेयर्स और इंश्योरेंस का डिडक्शन तो सेक्शन 31 में असेसी को मिल जाएगा, लेकिन अगर उसने रेंट पे करा प्लांट और मशीनरी या फर्नीचर और फिक्स्चर का, तो उसका डिडक्शन उसे सेक्शन 31 में नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो एक काम करते हैं, ध्यान से सुनना, हम ना एक सेक्शन बनाते हैं सेक्शन 37, इसे पता है उन्होंने क्या नाम दिया है, रेजिड्यू सेक्शन। क्या नाम दिया है इसे? रेजिड्यू सेक्शन। आपको पता है इसे रेजिड्यू सेक्शन क्यों कहा गया है? बचा कुचा सेक्शन। बचा कुचा सेक्शन मतलब जिन खर्चों का डिडक्शन सेक्शन 30 से लेके 36 में नहीं मिला ना, उन सब खर्चों का डिडक्शन आपको सेक्शन 37 देगा, जो कि रेजिड्यू है। अब मुझे एक बार बताओ, अगर आपने प्लांट और मशीनरी का रेंट पे करा, तो रेंट का डिडक्शन आपको सेक्शन 31 ने नहीं दिया है, सेक्शन 31 ने सिर्फ दो खर्चों का डिडक्शन दिया है, रिपेयर्स का और इंश्योरेंस का। तो मैंने गवर्नमेंट से पूछा कि अगर मैं प्लांट और मशीनरी किराए पे लूंगा और किराया दूंगा, तो उसका डिडक्शन नहीं दोगे क्या मुझे? गवर्नमेंट कह रही है देंगे, लेकिन उसका डिडक्शन सेक्शन 31 में नहीं दे पाएंगे हम। मैंने कहा मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो डिडक्शन से मतलब है, आप जिस मर्जी सेक्शन में दे दो, मुझे डिडक्शन दे दो बस। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हम इस रेंट का आपको डिडक्शन कौन से सेक्शन में देंगे? सेक्शन 37 में, जो कि आपका रेजिड्यू सेक्शन है। हाँ, अगर आपने रेंट बिल्डिंग का दिया है, तो उसका डिडक्शन सेक्शन 30 ने दे दिया है आपको, लेकिन अगर आपने रेंट प्लांट और मशीनरी या फर्नीचर और फिक्स्चर का दिया है, तो उसका डिडक्शन आपको सेक्शन 31 नहीं देता है, बल्कि जो रेजिड्यू सेक्शन है सेक्शन 37 वो देगा आपको। ठीक है, तो ये हमारे ना पहले दो सेक्शन हमने करे छोटे छोटे, सेक्शन 30 और 31। मैं अगले लेक्चर में आपसे अगला सेक्शन डिस्कस करूंगा, सेक्शन 32। थैंक यू।